बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडी टू कुक। आज मैं आपको वेजिटेबल पास्ता बनाना सिखाऊंगी। वेजिटेबल पास्ता के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पास्ता लिया है मैंने 1 कप, ये तकरीबन 100 ग्राम्स पास्ता है। मटर लिए हैं मैंने 1/4 कप, इनको बॉयल नहीं किया, ये इसी तरह है। गाजरे ली है मैंने 1/4 कप, ये इस तरह छोटी छोटी काट ली, आप स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। शिमला मिर्च ली है मैंने 1 अदद चॉप्ड की हुई, आप इसे भी चाहे तो स्लाइसेस में काट लें, ये भी तकरीबन 1/4 कप ही बन जाती है। छोटे साइज की प्याज ली थी मैंने, इसे बारीक काट लिया था। टमाटर ली है मैंने 1 अदद दरमियाने साइज की चॉप्ड की हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। कटी हुई हरी मिर्चें ली है मैंने, 2 अदद हरी मिर्चें ली थी, इनको छोटा छोटा काट लिया है। जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून और नमक लिया है मैंने हसबे जायका, मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा ले सकते हैं। सोया सॉस लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। सिरका लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, आप इसकी जगह लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, ये मैंने पास्ता को पकाते वक्त डालना है, उसके बाद जब पास्ता को बॉयल करूंगी तो वो अलहदा से मैंने उसमें 1 टेबल स्पून डालना है, वो इसमें नहीं है, 4 टेबल स्पून आपने पकाने के लिए डालना है। काली मिर्च ली है मैंने 1/2 टीस्पून, ये आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा डाल सकते हैं, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च से ज्यादा टेस्टी होता है इसलिए मैं काली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरी वेजिटेबल स्पेक्टी की रेसिपी नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे गिवन है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो चलें पास्ता बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई या कोई सा भी बर्तन ले लें और इसमें पानी डाल के उबलने के लिए रख दें। ये देखें पानी में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दें और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। अब इसमें पास्ता डाल देना है और इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लेना है। फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है। ये स्ट्रेनर ले लिया है मैंने, अब इसमें इसका पानी डालकर स्ट्रेन कर लेना है। ठंडा पानी डाल दें इसके ऊपर से। अब इस पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें, कुकिंग ऑयल, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसे साइड पे रख लें। अब वेजिटेबल्स तैयार कर लेती हैं पास्ता के लिए। अब एक और कढ़ाई या कोई सा भी बर्तन ले लें और इसमें ये 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, अब इसे गर्म कर लें। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, मिक्स कर लें इसे। इसमें लहसुन डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था, लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ज़ीरा डाल दें, मिक्स कर लें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें ज़ीरे की खुशबू आने तक। तो ज़ीरा डाल के मैंने इसे 30 सेकेंड्स के लिए यानी आधे मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई कर लिया था, ज़्यादा नहीं पकाना वरना ज़ीरा जल जाएगा और हाई फ्लेम पर भी नहीं पकाना। अब इसमें ये कटी हुई प्याज डाल दें, मिक्स कर लें इसे। अब इसे आहिस्ता आँच पर प्याज नरम होने तक फ्राई कर लें। प्याज नरम हो गई है, प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मटर डाल दें, मटर डाल के इसमें हल्का सा फ्राई कर लें। मटर डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट फ्राई कर लिया था, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अब इसे कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं इसे खा लें, ये देखें मटर अच्छे से टेंडर हो गए। अब इसमें टमाटर डाल दें, कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें, चॉप की हुई गाजरें डाल दें, शिमला मिर्च डाल दें, नमक डाल दें, काली मिर्च पाउडर डाल दें, सोया सॉस डाल दें, सिरका डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लें। ये देखें सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अब इसमें पास्ता डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें ये मिक्स हो गया है, अब इसे कवर करके 1 मिनट के लिए रख दें। 1 मिनट हो गया है, ये देखें पास्ता बनकर तैयार है, अब इसे डिश आउट कर लें। तो मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पास्ता बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल बटन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके, और इसे शेयर करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।